नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ पन्ना नगरी और आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाऊंगा पूरा शहर में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा पूरा पन्ना शहर, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए दोस्तों थोड़ा हम पन्ना के बारे में जान लेते हैं, पन्ना का इतिहास क्या है दोस्तों। तो दोस्तों पन्ना जो है आप सभी को पता है, पन्ना हीरो की नगरी, हीरो की नगरी, तालाबों की नगरी और मंत्रों की नगरी कही जाती है। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये पूरा पन्ना शहर है, बरसात का मौसम है, सावन लगा हुआ है दोस्तों, और आज हम पन्ना की सैर करने के लिए निकले हुए हैं। दोस्तों हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे पूरा पन्ना शहर, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों ये हाजी बिल्डिंग है, पन्ना ज़िले की सबसे बड़ी बिल्डिंग है हाजी बिल्डिंग, सबसे पुरानी बिल्डिंग है, आप ये वीडियो में देख सकते हो ये हाजी बिल्डिंग है। दोस्तों ये पंचम सिंह चौराहा आ गया है, आप ये वीडियो में देख सकते हैं ये पंचम सिंह चौराहा है, और यहाँ से श्री दुर्गा के शिव मंदिर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। दोस्तों जब भी आप पन्ना शहर आइए, पन्ना के जुगल कृष्ण मंदिर आप जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि वो देखने योग्य है और वहाँ के जो भगवान हैं वो दर्शन करने योग्य है। दोस्तों आप ज़रूर आइए मंदिर पर, और यहाँ पर अभी प्राणनाथ जी का मंदिर भी आ रहा है दोस्तों, तो प्राणनाथ जी का मंदिर भी देखने योग्य है। दोस्तों जब भी पन्ना शहर घूमिए तो विजिट करिए दोस्तों, तो आप जुगल किशोर मंदिर, प्राणनाथ जी का मंदिर ये देखने योग्य दोस्तों, तो आप जरूर आइए। देखिए दोस्तों ये प्राणनाथ चौराहा है, श्री प्राणनाथ जी चौक, आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ये पन्ना कलेक्ट्रेट है दोस्तों, ये प्राणनाथ जी का ये दरवाज़ा है, यहाँ से जाते हैं मेन गेट से, ये पुराना पन्ना कलेक्ट्रेट है दोस्तों, देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ कलेक्ट्रेट चौक, और अभी यहाँ से हम जाएंगे और आपको पुरानी कचहरी का हम माहौल दिखाएंगे, पुरानी कचहरी के पीछे वाला जो गेट है दोस्तों हम वो दिखाएंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप ये वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है और बरसात का मौसम में पानी अभी गिर चुका है दोस्तों, और हम घूमने के लिए निकल चुके हैं। आज आपको पूरा पन्ना धाम घुमाएंगे दोस्तों, क्योंकि पन्ना धाम जो है दोस्तों ये मंदिरों की नगरी कही जाती है, इसलिए इसको धाम भी कहा जाता है पन्ना धाम। देखिए दोस्तों ये पुरानी कचहरी का पीछे वाला एक गेट है दोस्तों, आप ये वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों पन्ना एक बहुत ही खूबसूरत शहर है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश राज्य की में उत्तर क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में ये पन्ना जिला आता है, सागर संभाग के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों ये श्री राम जानकी मंदिर है, आप ये वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो चुका है दोस्तों, इसलिए हम खड़े हुए हैं अभी, आप इस वीडियो में देख सकते हैं खड़े ट्रैफिक लगा हुआ है। ये श्री राम जानकी जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी बड़ा मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है, हज़ारों साल पुराना ये मंदिर है दोस्तों, तो आप जरूर विजिट कीजिए इस मंदिर पर। और अभी जस्ट अभी अजयगढ़ चौराहा भी आने वाला है जस्ट आगे, और अभी देख सकते हैं ये किंडरलैंड पब्लिक स्कूल है दोस्तों, पन्ना की प्राइवेट स्कूल है, काफ़ी बच्चों की छुट्टी हुई है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी बच्चे जा रहे हैं और ट्रैफिक भी काफ़ी लगा हुआ है। यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है, माँ शेरवाइनी मंदिर है दोस्तों, शेरवाली माता का मंदिर है, ये देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, चित्रकूट 1 से 10 किलोमीटर, ये अजयगढ़ चौराहा है दोस्तों, इस तरफ को राइट तरफ बड़ा मार्केट है, और जस्ट सामने चित्रकूट वाला रास्ता है, अजयगढ़ चौराहा वाला रास्ता है दोस्तों, आप ये वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत अच्छा लग रहा है दोस्तों पन्ना में। तो दोस्तों आप पन्ना शहर में जरूर विजिट कीजिए, मैं तो कहूँगा दोस्तों आप कहीं भी हो भारत के किसी भी कोने पर आप पन्ना शहर जरूर आए दोस्तों। और आप अगर हमारी चैनल बनाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख सकते हैं ये रंग महल है, मॉल है दोस्तों पन्ना का, काफ़ी बहुत बड़ा मॉल है दोस्तों, ये बड़ा मार्केट है, देख सकते हैं हम बड़े मार्केट से गुजर रहे हैं, और हम अपनी गाड़ी में हैं, बाइक में हैं,
माय इफेक्ट साथ में है, वो ड्राइविंग कर रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ये बड़ा बाजार, हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा पन्ना धाम घुमा रहे हैं। सबसे बड़ा मार्केट बरसात के मौसम में, सुहाना मौसम है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है पन्ना के मार्केट में। आप लगा सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी खूबसूरती है इस शहर में दोस्तों। बहुत ही शांत इलाका है दोस्तों, है ना, ये प्रदूषण से मुक्त क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ से भी मंदिर जाने के लिए एक रास्ता है श्री जुगल किशोर मंदिर के लिए। ये बड़ा मार्केट चौराहा है दोस्तों, दोस्तों ये सबसे बड़ा कपड़ा का शॉप है सपरिवार, आप ये देख सकते हैं पन्ना का फेमस शॉप है दोस्तों। ये है कह सकते हैं ट्रिक, मतलब कि स्टेशनरी है पन्ना की, फेमस स्टेशनरी है शांति स्टेशनरी, अग्रवाल स्टेशनरी दोस्तों। या अगर कोई बुक चाहिए तो आप यहां से खरीद सकते हैं, यूपीएससी एमपीपीएससी किसी भी प्रकार की अगर आपको बुक चाहिए तो यहां से आपको मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी स्टेशनरी पूरी डिलीवरी। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत करना। और पन्ना आप सभी को पता है पन्ना किनकी नगरी कही जाती है, हीरो की नगरी, झीलों की नगरी, मंदिरों की नगरी, तालाबों की नगरी। ये महाराज जो छत्रसाल है, महाराज छत्रसाल आप सभी को पता है कि महाराजा छत्रसाल जो है पन्ना को उन्होंने राजधानी बनाया था, आप सभी को पता है। कह सकते हैं ये दिगंबर जैन मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है दोस्तों। तो दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूँ छत्रसाल महाराज, आप सभी को पता है कि महाराजा छत्रसाल काफ़ी वीर और वीर योद्धा थे दोस्तों, कहा जाए तो काफ़ी वीर योद्धा थे। उन्होंने औरंगजेब को हरा दिया था अपने युद्ध में और महाराज छत्रसाल के नाम से पन्ना प्रख्यात है दोस्तों। महाराज छत्रसाल का पार्क का भी वीडियो हमने पिछली वीडियो में हमने दिखाया था, छत्रसाल पार्क, महाराज छत्रसाल के नाम से पन्ना में पार्क भी बना हुआ है, उसका वीडियो हम पहले डाल चुके हैं यूट्यूब। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी आपको, उस लिंक पर क्लिक करके आप पन्ना के छत्रसाल पार्क का वीडियो दे सकते हैं। तो महाराजा छत्रसाल जो थे काफ़ी वीर थे, वीर योद्धा थे दोस्तों। उनके नाम पे एक कहावत भी है दोस्तों कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, और जित जित घोड़ा पग धारे तित तित फटते हो। उनका एक घोड़ा था दोस्तों, हॉर्स था, जो जहाँ जहाँ पन्ना में गया है दोस्तों, पन्ना के जिस क्षेत्र पर गया है वहाँ पर हीरे की उपज हुई है। कह सकते हैं कि मंदिर है, माता जी का मंदिर है, यहाँ पार्क है श्री बल्दू पार्क, आप ये देख सकते हैं वीडियो में। और जस्ट इसके किनारे विश्व प्रसिद्ध मंदिर आप देख सकते हैं, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर बल्दू जी का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बल्दू जी का ये मंदिर है दोस्तों। आप देख सकते हैं वीडियो में, आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देगा। देख सकते हैं मेन गेट है, एंट्री गेट है दोस्तों श्री बल्दू जी का। यहाँ पर ये इतना बड़ा मंदिर है दोस्तों कि मंदिर पर दुकानें खुली हुई, देख सकते हैं वीडियो में, इसमें विद्यालय खुला हुआ, दुकानें खुली हुई, काफ़ी बड़ा मंदिर है दोस्तों। ये कहा जाए तो इटालियन शैली पर बना हुआ है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, देख सकते हैं वीडियो में। ये अंग्रेज़ों के ज़माने पर ये मंदिर बन चुका था। देखिए दोस्तों, तो आप बने रहिए, और भी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं जेल, पन्ना की जो पुरानी जेल थी दोस्तों, उस टाइम के ज़माने में जिस टाइम में अंग्रेज लोग रहा करते थे, उस टाइम में जो जेल थी दोस्तों, वो भी हम जेल की जो बिल्डिंग है दोस्तों, हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो बस बने रहिए वीडियो में, अभी आगे चलते हैं, वहाँ आपको जो जेल की पुरानी बिल्डिंग थी दोस्तों, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब तो उसमें पुरातत्व संग्रहालय खुल गया है दोस्तों, एक म्यूज़ियम खुल गया है पन्ना म्यूज़ियम, उसमें पुरातात्विक चीज़ें मतलब कहा जाए तो वहाँ पर रखी गई हैं दोस्तों देखने के लिए। आप आ सकते हैं, हिंदू पुरातत्व संग्रहालय है दोस्तों, आप आइए और वहाँ पर विजिट कीजिए। ये पन्ना ज़िले की शासकीय मनोहर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल है दोस्तों, ये संकुल कहलाती है पन्ना की, काफ़ी बड़ी स्कूल है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये पुरानी जेल, पन्ना की पुरानी बिल्डिंग है दोस्तों, अब इसमें पुरातत्व संग्रहालय खुल चुका है।
मतलब कहा जाए तो म्यूजियम, इसमें पन्ना का म्यूजियम है, सबसे बड़ा म्यूजियम है दोस्तों। हम इस ब्लॉग में हमने आपको पूरा पन्ना धाम घुमाया दोस्तों, तो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में आप जरूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।